हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू का चटपटा और बहुत ही चीज़ी नाश्ता, जिसे आप जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला ये आलू का टेस्टी नाश्ता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कच्चे आलू ले लिए हैं 2 से 3, तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह से पील आउट कर लेते हैं। तो सभी आलू को हम इसी तरह से पील आउट कर लेंगे। तो आलू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से पील आउट कर लिया है। अब इन्हें हम मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर है, आप छोटा बड़ा मोटा या फिर जिस भी तरह से आप इसको कट करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मैंने इस तरह से कट किया है। इस तरह से देखने में बहुत ही क्यूट और बहुत ही जल्दी से ये, फिर हम इनको फ्राई करेंगे तो ये फ्राई भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, सभी आलू को हमने बहुत ही अच्छी तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर। इस रेसिपी को आप बटर के साथ ही बनाएं, ये तभी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, इसमें ना ही हमने ऑयल डाला है ना ही घी। अभी ये जो हमने आलू कट करके रखे हैं, हमको इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो 1 टेबलस्पून घी में या फिर ये बटर जो हमने डाला है ना, बहुत ही अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाएंगे। बटर डालने से इसमें बहुत ही एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, बहुत ही बटरी टेस्ट आएगा। तो ये जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी एंड गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, और कोई भी स्पाइसेस आप इसमें बिल्कुल भी ना डालें। जिस तरह से मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। तो आलू बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। जिस भी प्लेट में आपको इसे सर्व करना है उसमें आप इन सभी आलूओं को निकाल दें। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची एकदम लाल लाल आप देख ही सकते हैं। तो सभी आलू को हमने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा बहुत मेयोनीज। आप इन्हें मिक्सर ना करें, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से बनाएं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पास्ता पिज्जा जो सॉस आता है वो, आप चाहें तो टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो हमने सभी तरफ डाल दिया है, ये भी हमने 1 चम्मच ही डाला है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो भी आपके पास वेजिटेबल्स डालना चाहे तो डालें, मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे चीज़। तो यहाँ पर हमने 1 क्यूब चीज़ लिया है, इसे हम अच्छी तरह से ग्रेटेड करके डाल देंगे। आप स्लाइस वाला भी डाल सकते हैं, उसे भी इस तरह से ग्रेट कर लें। और बस इसके ऊपर थोड़ा बहुत हमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मिक्सअप्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये सब ना हो तो आप ग्रीन चिली डाल सकते हैं चॉप करके, प्याज वगैरह भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने चॉप किया हुआ धनिया का पत्ता भी डाल दिया है। थोड़े से हमने ऊपर से डाल दिया है आलू जो हमारे रखे हुए थे, थोड़े बहुत हमने बचा लिए थे। अब जो बटर था ना जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे, वो बटर आप इसमें ज़रूर ऊपर से डालें। तो ये जो फ्राई वाला बटर है बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से, ये देखिए। तो बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब इसे हमें गर्मा गर्म खा लेना है। ये देखने में बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत ही लाजवाब, बनाने में बहुत ही आसान आलू से बना बहुत ही टेस्टी आलू चीज़ी नाश्ता। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। आप इसे रोटी रैप में भी रैप अप करके खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।